शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के पूर्व कार्यक्रम का आयोजन, एसएससी और एचएससी के बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन डायरेक्टर मुंबई बैंक मुंबई, पूर्व नगर सेवक अभिषेक गोसालकर और पूर्व नगर सेविका तेजस्वी गोसालकर के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मुंबई स्थित दहिसर पश्चिम रिवर व्यू हॉल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसएससी और एचएससी में 70% से 75% से अधिक परसेंटेज प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम अभिषेक घोसालकर 11 सालों से करते आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था कार्यक्रम के आयोजक और आए हुए अतिथि का, आइए देखते हैं। विभागामध्ये दहिसर विधानसभामध्ये नगरसेवक तेजस्विनी घोसाळकर आणि माजी नगरसेवक अभिषेक घोसाळकर यांच्या माध्यमातून शाखा क्रमांक 1, शाखा क्रमांक 7 आणि शाखा क्रमांक 8 विभागात आलेल्या गुणवंत विद्यार्थी 10वी आणि 12वीचा माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त हा मोठा कार्यक्रम, ज्याच्यामध्ये 300 विद्यार्थ्यांचा सत्कार इथे करण्यात आला, त्यांना नोटबुक वाटण्यात आली आणि अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम आम्ही साजरे करताना या विभागातील सर्व आमच्या शाळेचे प्रख्यात शाळेचे प्रिन्सिपॉल सर्व पदाधिकारी हजर होते। गेले 11 वर्ष या विभागात अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम राबवले जातात। हिंदुत्व सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी आम्हाला 80% समाजकारण 20% राजकारण या गोष्टी शिकवल्यात, त्याप्रमाणे आम्ही काम करत असतो। या विभागातील नगरसेविका आमची तेजस्वी घोसाळकर समाजामधल्या विविध कार्यक्रम जे लोकांना लागतात ते कार्यक्रम ह्या विभागात करतात। त्या विभागात स्विमिंग टँक त्यांनी आणल्या आहेत, या विभागात दहिसर स्पोर्ट्स फाउंडेशनसारखं मोठं क्रीडांगण इथे आहे। या विभागात युनिक कार्यक्रम म्हणजे ज्याला म्हणतात डॉग पार्क, हा डॉग पार्क देखील आमच्या नगरसेविका तेजस्विनी घोसाळकर यांनी इथे केलेलं आहे। आणि अनेक गार्डन, अनेक ट्रॅक्स जे काय मुलांना लागतात, ज्येष्ठ नागरिकांना लागतात, ते कार्यक्रम या विभागातून केले जातात आणि अशा तऱ्हेचे कार्यक्रम या विभागात केलेले आहेत। त्यामुळे त्यांचं मी अभिनंदन करतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांना मी शुभेच्छा देतो आणि ते सांगतो। ऑन द ओकेशन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धवजीज बर्थडे, इट वॉज अन ओकेशन दॅट मिस्टर अभिषेक घोसाळकर अँड तेजस्वी घोसाळकर अँड द ऑर्गनायझर्स दे हॅड टेकन टाईम टू ऑर्गनाईज time to felicitate and congratulate all the students who have secured 70% and above. As an occasion that they used to congratulate as well as to encourage them each time that they will do well and become good citizens of our country. And it is not first time, that is the 11th time that they are organizing this program. And every time we see that lot of enthusiasm and it in a way encourages all the students to perform well and good citizens of our country. So I take this opportunity to thank Abhishek Gosalkar and his wife Tejasni Gosalkar, the way they perform their duty here to taking care of the citizens and the people here, their love and concern really appreciable. Thank you. आज हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी का जन्मदिन, उस शुभ अवसर पर अभिषेक घोसाळकर तेजस्विनी घोसाळकर इन्होंने जो आज 10वीं 12वीं के जो बच्चों के लिए जो आज बैग्स बुक्स और जो शिक्षक के माध्यम से जो ज़रूरत है वो उन्हें बांटा गया है, क्योंकि आगे वो कॉलेज में जाएंगे या आगे पढ़ने में उनको बुक की ज़रूरत गिरती है, तो ऐसे अच्छा ऐसा उन्होंने कार्य आज किया है। और आपको पता है कि उद्धव जी ने गए मतलब 2019 से 22 तक जो कार्यक्रम हुआ नहीं था, वो आज फिर कोविड जाने के बाद फिर से अभिषेक घोसाळकर जी ने जो अपने 11 साल से ये जो प्रथा है बच्चों का जो सम्मान करने का वो उसको शुरुआत रखी गई। मिस्टर एंड मिसेस अभिषेक घोसाळकर हैव रियली डिस्प्लेड अ सेल्फलेस सर्विस towards the students of 10th and 12th. This has not only shown a motivation for the children, but it also encourages to keep doing.
it's not only the selfless service that they have been talking about, but it's been implemented. And this shows how closely they have involved themselves to ensure that 21st century skills and the ability of the children are being tapped in the right manner. I congratulate Mr. and Mrs. Gosalkar for organizing this function in our ward. Not only they are doing good social work, but they are promoting education. We are lucky to have good institutions in the area, such as St. Francis, Mary Immaculate, and St. Louis in this ward. Many other new schools also which have come up now. So he is promoting 10th and 12th students for the higher education, which is the right thing to do. देखो हर साल की तरह ये साल भी हम हमारे जो पॉलिटिकल आइकॉन हैं जैसे बाला साहेब ठाकरे जी थे अभी उद्धव जी ठाकरे हैं उनके उन्होंने हमें सीख दी है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण आज समाजकारण करते वक्त हम ऐसा देखते हैं कि लोगों की सेवा करना और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ों से दूर करना और एक स्पोर्ट्स हो एजुकेशन है या ये हर एक चीज़ में हम लोग आज काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आज आपने देखा होगा कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट को आज हम लोग ने यहाँ पे फेलिसिटेट किया। आज जो ओकेजन था वो हमारे उद्धव जी साहब का आज बर्थडे वो ओकेजन पे हम लोग ने ये सेलिब्रेशन किया है और यह 11वां साल हम लोग का है और मैं आप ये डायस पे अगर देखते तो हर एक स्कूल के प्रिंसिपल हमने आज यहाँ पर बुलाए जो कि बच्चों को मार्गदर्शन करें और उनको मोटिवेट करके उनके पूरे आने वाले समय में जो कठिनाई होने वाली है या जो एजुकेशन लेने वाले उनको मार्गदर्शन करने का काम आज सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। हमारी सिस्टर शीला जी है, हमारे अल्बर्ट सर जी है, हमारी अनीता मैडम यहाँ पे प्रिंसिपल आए हैं, हमारे सर तो हम मेरे फेवरेट ही है, फादर हर एक फंक्शन में मेरे आते हैं और सेंट लुइस स्कूल तो मुझे लाइक आवर फैमिली तो वो भी आज टाइम निकाल के यहाँ पे आए। हमारे एमएलए विलास पुतनी जी है, उदेश पाटेकर जी यहाँ पे उपस्थित है और नगर सेविका तेजस्वी घोषालकर, सुजाता सिंगाड़ेताई, ये सभी के माध्यम से हम लोग ने आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा और ये कार्यक्रम आज सक्सेसफुल हुआ है और इसी तरह आगे बढ़ के हम बच्चों के लिए जैसे हमने कहा कि आईएएस आईपीएस ये अलग सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है वो शिवसेना जवाबदारी आज से ले रही है कि जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल है उनको भी हम लोग ने आह्वान किया है कि आपके स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये सिविल सर्विसेज में जाना है तो उसकी एजुकेशन हम फ्री में करने के लिए तैयार है और उनको आगे मार्गदर्शन देके उनके क्लासेस हो उनको आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए भी हम लोग मार्गदर्शन करेंगे।